Hey guys, welcome back to my YouTube channel. अच्छा, so this is a very very beautiful makeup kit which is of course of mine and I'm really loving this kit. जी दादी, पक्का ही है ना? Guys, just wait. Here is my दादी माँ. आओ कौन है वो? ओह, वो तो मैं हूँ दादी. है ना? Yes. ये तो ही है ना? दादी मेरी फोटो देख रहे हैं. खरी लगा दी मैं? ओ नहीं, ये मैंने शिमला में फोटो क्लिक करवाई थी और मेरे शिमला वाले ब्लॉग में है ये चीज और अभी मैंने इसको फ्रेम करवा के यहाँ पे लगा दिया लाइक दिस. दादी मेरे साथ मेरा मेकअप देखने के लिए बैठे हैं अभी. हाँ, एक्चुअल में मेरा जो ब्लॉग है दिस इज अबाउट माई. हाँ दादी बोल रहे हैं ये तेरा ही अंदर है, मतलब ये तेरा ही रूम है और चीज़ें देख सकते हो बिखरी हुई है. गिफ्ट मेरा भाई पैक करवा के लाया है और बाकी मैंने जो लाइक कंसीलर का मैंने निकाल दिया है रैप क्योंकि इसमें ये ज़्यादा जगह ले रहा था. अभी मैं ठीक है, ओके दादी, मैं आपको अपनी मेकअप किट दिखाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज कैन सी कि इसमें लॉकिंग अनलॉकिंग वाला सिस्टम है बट मेरे को शॉपकीपर ने बोला अगर आप लॉक करते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा लाइक 001122 जो आपने लॉक लगाया होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो मैं लॉक नहीं करूँगी क्योंकि मैं याद नहीं रख सकती, मैं तो अपने पासवर्ड याद नहीं रख पाती हूँ तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी. तो लेट्स ओपन. एक हाथ से नहीं हो पाएगा तो मैं कैमरा ऑफ करके इसको ओपन करती हूँ या ट्राई करती हूँ. ये खुल जा सिमसिम. सिमसिम खुल गई है एंड हियर इज मी. और मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाती हूँ दैट व्हाट्स इनसाइड माय मेकअप किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेल पेंट्स देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो थोड़े मुझे सूट के जो कलर थे वो ध्यान में थे इतने तो मैंने ये वाले ख़रीद लिए, बाकी बाद में ख़रीदूँगी. और हैंकी विच इज़ इन स्काई ब्लू कलर और मेरा मतलब तो मुझे ऐसे पसंद यही कॉम्ब आया, बाकी पिंक थे रेड थे तो एवरीथिंग विल बी फाइन. दिस इज़ अ क्यूट. तो मैंने ब्रश भी ले लिया एक जो मैं यूज़ नहीं करती थी लेकिन अभी मैंने ये ले लिया है एक. और फेस वॉश मैं यही यूज़ करती हूँ जस्ट बिकॉज. तो हाँ, सो द नेक्स्ट थिंग इज न्यू टूथब्रश लिया है मैंने. अभी पीछे कुकर की सीटी सुनाई दे रही होनी आपको या तो. कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है सो अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी. सो द नेक्स्ट थिंग इज, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, कलर चेंजिंग फाउंडेशन. और इसका मुझे भी आइडिया नहीं है दैट हाउ टू अप्लाई, तो मैं यूट्यूब से हेल्प लूँगी. नाउ हेयर इज लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने यही बाय किया है. और जी निविया सॉफ्ट, मैंने विंटर की मांगी थी बट उन्होंने समर की दे दी है तो अभी ये तो चलो मम्मी को दे दूँगी, फिर मैं खुद के लिए विंटर की ख़रीदूँगी. और यार मैं एक एक करके क्लिप शूट कर रही हूँ क्योंकि फिर ना पता नहीं कैसे रोटेट हो जा रहा है कैमरा खुद ही. सो ये है नई चीज़ मेरी मेकअप किट में ऐड हो रही है एंड दिस इज़ अ डिफरेंट फील. एक रबर बैंड भी ख़रीदा था उसके साथ में ही डाल दी है ये. तो ये थोड़ी फैंसी बिंदी है, स्टोन वाली है, कलरफुल सिंपल एंड फॉर डेली यूज मरून एंड दीज आर ऑल्सो कलरफुल सूट्स के साथ मैचिंग के लिए. नाउ हियर इज माई शैम्पू, सनसिल्क ब्लैक ही यूज करती हूँ मैं. और पीछे कुकर की सीटी पे सीटी आ जा रही है क्योंकि मम्मी साग बना रहे हैं तो इट्स ओके, आपको आई थिंक ऑडिबल ही होगा. मामाअर्थ का है विटामिन सी टोनर. मामाअर्थ के रिव्यूज एंड ऑल मैंने जहाँ से मंगवाया था तो काफ़ी अच्छे थे, तो अभी यूज़ करके मैं भी आप लोगों को बताऊंगी
कि ये कैसा है। अरे खुल गया और ये फ्लैश लाइट भी ऑन हो गई है खुद ही। व्हाट अ गर्ल। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मैंने दादी को लगाया था अभी तो दादी वाज लाइक वाओ, मतलब शी सेड कि बहुत बढ़िया है। वाओ तो मैं कह रही हूँ ना। नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी पिंस हैं ये, जैसे सूट का दुपट्टा या साड़ी कुछ भी उसके लिए। एंड हियर इज अ कंसीलर विच इज लाइक मेकअप में इम्पॉर्टेंट होता है ये। और ये है जी गेट बोल्ड मस्कारा, ब्यूटीफुल लैशेस के लिए आप मस्कारा लगा सकते हो। मतलब अभी तो मैं ही लगाऊंगी। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ब्लू हेवन। एंड हियर इज अ नेल पेंट रिमूवर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज काजल, ये स्टिक वाले काजल हैं और एक ब्लैक कलर में, एंड दिस इज ग्रीन। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन भी ले लेती हूँ, ब्लू था बट ब्लू थोड़ा फिर बाद में लूँगी, अभी मैंने ग्रीन और ब्लैक ही लिए हैं। सो अरे ये है मेकअप फिक्सर, ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। ये सच में लॉन्ग लास्टिंग होता है बिकॉज करंटली आई एम यूजिंग दिस वन। ये है पॉन्ड्स बीबी प्लस और इन्होंने पता नहीं क्यों छोटे पैक में दे दी मुझे, मैंने तो मीडियम बोला था, आई थिंक दिस इज स्मॉल। एंड दिस इज निविया लिप बाम, जैसे लिपस्टिक यूज ना करनी हो लाइक यूनिफॉर्म के साथ या कैसे भी नॉर्मल डेज पे, दैट्स वाई मैंने ये खरीदा है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक मोस्ट फेवरेट थिंग, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है आई लव टू लाइक यूज आई लाइनर। सो दिस इज इट। एंड ये प्राइमर है फ्रॉम ब्लू हेवन और ये लिपस्टिक्स हैं, रॉयल वाइन कलर है एंड सेकेंड वन इज काइंड ऑफ मतलब रेड तो नहीं, कुछ ऐसा शेड है इसका ऐसा। और ये है मामा अर्थ का फेस सीरम, इसको भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी, आई होप कि अच्छा हो ये। नाउ न्यू वन एडेड टू माई मेकअप किट, दिस इज सिंदूर और मुझे यही अच्छा लगा, मतलब एक और था बट वो बहुत ज़्यादा डार्क था तो अभी मेरे को आइडिया भी नहीं है इसको यूज़ करने के बाद, नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कौन सा लूँगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट माई मेकअप किट जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है एंड दिस इज इट। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।